राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। तुम्हारे पड़ोसी का क्या हाल है जिसके गुस्से में तुमने टांग तोड़ दी थी? बेचारा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप का अकेला बेटा है? वो जो मेरे पीछे पड़ा है, मैं उससे जान छुड़ाने के लिए तुमसे पुरानी पहचान जता रही हूँ, तुम भी कुछ और ना समझ लेना। हाँ, अपने गोवा के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, पैदाइशी वॉलंटियर, लड़कियों की मदद करना अपना धर्म समझते हैं। एक आध दूसरी रकम का भी होता है जैसे वो, इंसान कम हैवान ज्यादा, जी चाहता है पत्थर उठाकर फेंको उस पर। भाग गया कायर, आई एम सॉरी, आपसे डर गया शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। मुझे इस रास्ते से आना जाना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, ये शॉर्टकट है, वो रहा मेरा कॉलेज। अच्छा, लेकिन आप भाग क्यों रहे थे इस तरह? आप गूंगे हैं? ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है, आप बिल्कुल बोल आ, आ? हिंदी नहीं, फिर तमिल, तमिलियन। ओह, जो भी हो, आप मेरे लिए फरिश्ते हो। फरिश्ते मद्रास। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए लड़कियों को कराटे सीखना जरूरी है। अगर समझ कहीं से कोई गुंडा आ गया, तुमने उसे देखा, उसने तुम्हें देखा, वो रुका, तुम रुके, वो तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ा और तुमने शुरू किया टकाल टकाल, धमाल धमाल। कराटे बनाया गया है आत्मरक्षा के लिए। मैं नहीं जानता कराटे जापान में जन्मा था या हिंदुस्तान से वहां गया। तुमने वो ब्रूसली की एंटर द ड्रैगन देखी है ना? वो सिर्फ हाथ उठाता है तो हाथी जैसा आदमी हवा में उड़ जाता है और धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। क्यों? एक्सक्यूज मी सर, मोटरबाइक ट्रबल, प्लीज हेल्प पुश। हू मी? यस सर। ओके, थैंक यू। राइट, रेडी, पुश पुश, या लिटिल मोर फास्टर प्लीज। वासु, तुम्हारा नाम क्या? ब्यूटिफुल। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। कब का खत्म हो गया? आप लोग अभी तक गए नहीं? हाँ हाँ, जाता है जाता है। तुम्हारा अस्पताल में हमको अखी रात नहीं रहना। ना वरेंडा करना, काले ले काफी ओड़ वर है। नल्ला काफी गुंडो। यहाँ तो किसी को काफी बनाना भी नहीं आता। वर है? For your speedy recovery. Thank you, thank you. ये थैंक्स आप उस लड़की के लिए बचा के रखिए जिसने ये फूल भेजे हैं। मैं तो सिर्फ लाई हूँ। तुम्हारा नाम? अच्छा, हाय, मेरा नाम सपना। हाय, कैसा? हाय हाय।
हेलो सपना इधर है वीडू वीडू क्या ओ हाउस दैट्स माय हाउस ओ वो हमारा मकान है रेडफोर्ट आहा माय वीडू ओ दैट मटन फैमिली सॉरी सॉरी हम एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए हैं तुम क्या काम करते हो आई मीन व्हाट्स योर जॉब ओ माय जॉब नाउ वॉशिंग क्लोथ्स दिस इज योर लेटर दिस इज माय फादर ओ बाय चुमने का जगह गलत था तो 7 दिन की जुदाई हमें और करीब ले आई प्यार में 2 things बहुत एक्साइटिंग है जुदाई और वेटिंग इंतजार ये चट्टान एक लड़की दूना पावला के इंतजार का नमूना है इतिहास ऐसा ही है एक पुर्तगाली लड़की को एक कुआनी लड़के से मोहब्बत थी हमारी तरह हाँ बिल्कुल हमारी तरह एक दिन लड़की को बहुत दूर समंदर पार जाना पड़ा मगर ओके ओके कंटिन्यू समुद्र पार जाना था मगर वो वापस नहीं आया क्यों उसे क्या हुआ कोई नहीं जानता मगर लड़की उसका इंतजार करती रही फिर इस चट्टान पर खड़े खड़े खुद भी चट्टान बन गई अगर एक दिन मैं चला जाऊं तुम भी मेरे लिए इस रॉक पर वेट करेगी क्या मत कदेला मना पहले 7 दिन का लॉस मैं पूरा करना चाहता हूँ कब क्यों और कहाँ अच्छा बाबा मैं 6 दिन के लिए तुम्हारी बगल में बैठी रहूंगी ठीक है 7 दिन का भी जरूरत नहीं 24 आवर्स कहीं घूमने चले ओके मैं तुम्हें सारा गोवा दिखाऊंगी ओके ओके तुम्हारा अम्मा अच्छा मारिया देखो मैं माँ को कैसे बनाती हूँ रोता क्यों है मैम साहब रोने से घर जल्दी पहुंच जाएंगे क्या तो कैसे जाएंगे बोलो घड़ी 11 बजा रही है पोर्ट 16 किलोमीटर दिखा रहा है पेट्रोल खत्म हो गया है पैसे खत्म हो गए घर में झूठ बोल कर आए थे अभी आधी रात हो गए घड़ी 5 मिनट फास्ट है सर आप पंजन तक लिफ्ट देंगे यस सर वी आर न्यूली मैरिड कपल सर हस्बैंड एंड वाइफ सर पति पत्नी और मोटरसाइकिल हनीमून के लिए वास्को डी गामा गया था लेकिन पैकेट कट हुआ सर पेट्रोल फिनिश सर 16 किलोमीटर मोर सर माय वाइफ इज बीपिंग सर
मैं भी वास्को डी गामा गया था शादी पर। इतने में चाचा के साथ शादी भी हो गई तुम्हारी? नो सर। नाम क्या है तुम्हारा? नाम किस लिए जी ऐसा ही गाली दीजिए? ये अकड़ तुम्हारी, एक जवान लड़के को घर में झूठ बुलवा के इस तरह बाहर ले आना और आवारा घुमाना कोई मजाक है क्या? आगे तुमने हमारे घर की तरफ देखा भी तो सिर्फ गालियां नहीं बल्कि सपना गाड़ी में बैठो चलो। सर इट्स ऑल माय फॉल्ट। बेचारा पासु। वो गाड़ी के पीछे दौड़ के आएगा, हीरो आदमी है ना। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। साहब सुना नहीं, गाड़ी स्टार्ट करो। We are made for each other. Sorry, Basu. तुम रात को इतनी दूर पैदल चल के आए? पैदल? मैं? नहीं। फिर कैसे आए? मोटरबाइक पर। और पेट्रोल? पेट्रोल क्या क्या जरूरत, मैं मोटरबाइक के ऊपर, मोटरबाइक लारी के ऊपर और लारी बाड़ा मेरा पिताजी के ऊपर। तुम्हें मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठानी पड़ी? तकलीफ? नॉनसेंस। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? सब कुछ, हमारा अमर प्रेम है ना। अभी क्या करना बोलो? तुम तैरना जानते हो? तैरना? तैरना हुआ? स्विमिंग। कुछ देखते हैं, अमर प्रेम है ना। मच्छी पकड़ने गया था, ये मिल गया। देख सांस सांस है कि नहीं। होश में आओ बासु, 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 मान गई बासु, मान गई, तुम्हारा प्रेम अमर है। बासु, वाह, अरे बाबा हिलो मत ना। क्या लिख रहा है? मैंने शीशे की तरह चमकती हुई तुम्हारी पीठ देखी, तुझे मैं एक प्रेम पत्र लिख दूं? कोई जोक लिख रहा है क्या? बहुत हंसी आता है। अरे बाबा ठहरो ना प्लीज। बस हो गया। क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लो। बोलो ना क्या लिखा है? नहीं बोलूंगी। नहीं बोलूंगी? नहीं। ठीक है, हम किसी दूसरे को बोलेगा, पढ़ो। प्रेम पत्र दूसरों से पढ़वाओगे? पॉइंट, दूसरे को नहीं, माँ को बोलेगा। माँ को? हाँ। वाई नॉट। हाँ अम्मा। என்ன வேணும்? நீ நார்த் இந்தியாவுக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 6 வருஷம் ஆச்சு. ஏண்டா? 6 சால் ஆச்சு. தும் ஹிந்தி படனா மாலும், ஹிந்தி லிக்னா மாலும். என்னடா இன்னைக்கு ஹிந்தி பேசுற? முதல்ல பதாவ், தும் ஹிந்தி பட சக்தி ஹோ? தோடா தோடா. தோடா தானா? சரி அப்ப இத தோடா படு. மே தும்சே பியார் கர்த்தி ஹூ ஏக் பக்லி. ஐயோ யார் அந்த பக்லி? பக்கத்து பகலி சப்னா. அந்த பொண்ணா? அவங்க யாரு, நாம யாரு, இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? நீ கேச ஹோ சக்தா? நீ நினைச்சா ஹோ சக்தா ஹே. ஐயோ அம்மா அம்மா காலங்கம்மா அம்மா. மங்களா! ஐயோ ஏன் திரும்படா? ஏன் மங்களா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? குழந்தைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன். எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன். இன்னும் 10 வயசு போகட்டும். जगन्नाथ जी इधर आइए। आया जी। देखिए इधर क्या हो रहा है। इस 20 बरस के गधे को ये तेल मालिश कर रही है। इसकी इस तरह खातिर होती रही तो ये बाहर जाकर नौकरी करेगा। तुम नौकरी दिलवाओ,
என்ன கருத்தா இருக்கா? ஜூலி, तुम्हें और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारे गले में पट्टा है और मेरे गले में नहीं। अगर ऐसे तुम्हारी सूरत देखती रही तो मालूम होता है एक दिन पागल हो जाऊंगी और शायद तुम्हारी तरह भौंकने लगूंगी। इस कुत्ते की सूरत तो उस मुए की शक्ल से हजार गुना अच्छी है। कुत्ता तो ठीक है माँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल जो 24 घंटे देखनी पड़ती है। उस कुत्ते को देख देख के तू पागल हो जाएगी। ये तो वही मिसाल हूँ। देखो वो लफंगा हमारे घर के किस तरह चक्कर काट रहा है। उसे हैजा मारे तो ही हमारी जान छूटे। सारे शहर को अपनी बेशर्मी का तमाशा दिखाना चाहती है। चल चल के बैठ वहां सीधी तरह, नहीं तो तेरे बोटियां उड़ा कर फेंक दूंगी नीचे सड़क पर उस कुत्ते के सामने। समझी? सपना, सपना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सपना, सारा दिन नजर क्यों नहीं आई? घर वालों ने तुम्हें बंद कर रखा है क्या? बोलो, इन्होंने मारा पीटा तुम्हें? सपना, रोना ही सपना, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सारी दुनिया मिलके एक हो जाए ना, तो भी हम दोनों एक रहेंगे। आप इस तरह देखती क्या है? मैं देखता हूं ये लोग क्या कर लेंगे। तुम हिंदी तो जानते हो ना? थोड़ा थोड़ा। अरे हिंदी पिक्चरें देखो, ज्यादा से ज्यादा सीख जाओगे। हाँ, अच्छा कहाँ रहोगे? वैसे तो तुम मेरे साथ भी रह सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ क्रॉनिक ब्रह्मचारी हूँ, न पत्नी न वो न रखेल। आओ, ये है तुम्हारा कमरा। इस खिड़की से देखो तो रामकृष्ण सिनेमा नजर आता है, अरे उसमें एक तेलुगु फिल्म चल रही है, खट खटाल रुद्रैया। उस खिड़की से मत देखना, उस सामने वाले घर का बाथरूम नजर आता है। अच्छा आज तुम आराम करो, कल दफ्तर आना है? और फुर्सत मिले तो जरा हैदराबाद घूमो, यहाँ की रौनक देखो, खूबसूरती देखो, जरा मजा आएगा। और हो सके तो लाइन वाइन मारो और शाम को जरा पिक्चर विक्चर देखो। पाकिदा देखी है कि नहीं? नहीं, नहीं देखी? क्या कर रहे हो? अरे वो तो कविता है, कविता। कविता कहाँ खो गए भाई? बैंगलोर से कब वापस आए? तुम्हें क्या हुआ वासु? कुछ तो बोलो। संध्या, इसे चलने दो। Thank you.
बासु, बासु, तुम एक आंधी की तरह नाच रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? मैं आंसुओं के भंवर में डूबना नहीं चाहता, इसलिए मैं अब तक ऐसी गहरी योग निद्रा में था, अपनी आंखों में सुवा भी छुपा लेता तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब निद्रा टूट गई है और काली भयानक सच्चाई अपने नंगे रूप में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। पासो, तुमने हमेशा कोई दर्द मुझसे छुपाने की कोशिश की, वो कभी बाहर आने भी लगा तो तुमने हमेशा उसे अपने गले में ही रोक लिया। तुम मुझे अपना दर्द बता नहीं सकते? ये दर्द नहीं, जहर है जिसे मैं ना अंदर पी सकता हूं ना बाहर उगल सकता हूं। सामने जहां तक नजर जाती है अंधेरे की समंदर ही समंदर नजर आते हैं, मैं डूब जाऊंगा संध्या। संध्या, मुझे एक सहारे की जरूरत है। बासु, मैंने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा, तुम्हारी आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं। सिर्फ आंखें नहीं संध्या, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी आत्मा जल रही है। मुझे ऐसी ठंडी छांव चाहिए जिसके नीचे मैं सारी यादें भूल जाऊं, सारी यादें। वो छांव तुम क्यों नहीं हो सकती?